जब मैं बहुत छोटा था और हारमोनियम पर नए नए बिल्कुल जैसे आप सीख रहे ना इसी प्रकार से जब मैं सीखता था तो गुरु जी कहते थे तू बड़ा बड़ा गाना ये बजा वो बजा ऐसा बजा ये कभी नहीं बजा पाएगा जब तक तू छोटे छोटे गीत नहीं बजाएगा। तो गुरु जी कैसे छोटे छोटे गीत होते हैं तब वो हमें बताते गुरु जी बेटा इस तरीके से तुझे बजाना है। तो वो देखिए वो कौन कौन से गीत थे जो हमें गुरु जी ने सबसे पहले हमें बताए थे। खासकर एक गीत है बहुत प्यारा सा जो हमें सबसे पहले गुरुजी ने बताया था कि ये इस तरीके के जब तक आप बजाओगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि हमें जब कोई भी चीज़ होती है ना बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो आ ही पहले सिखाई जाती है ना, ये तो है नहीं डायरेक्ट सीधा पैथा में कोर्स सीधा आप करवा दिया जाए ऐसा तो है नहीं। सीधा पहले जब बच्चा आप खुद अंदाजा लगा दिया आप जब कभी स्कूल में पढ़ने गए होंगे तो आपको छोटा बड़ा इस तरीके से सिखाया होगा गोला बनाना सिखाया होगा है ना। तो इसी प्रकार से संगीत भी है जिसे हम जब नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो आज हमारा विचार हुआ क्यों नहीं आप हमारे हैं आपको क्लियर चीज़ बताई जाए और आपको वह चीज़ समझाई जाए कि जिससे आप आगे बढ़ सकें। संगीत में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वही चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं विधिपूर्वक अच्छी तरीके से नोटेशन के द्वारा और 100% आपके समझ में आएगी। जब इस तरीके के गीत आप आगे चल के बजाएंगे ना तो आगे चलकर जब इस तरीके कुछ गाने बजाने लगेंगे तो समझिए सीधा कि आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप बड़े बड़े गाने भी बजाना शुरू कर देंगे। जब तक आप ये छोटे छोटे गीत नहीं बजाएंगे तब तक आप बड़े गीत नहीं बजा पाएंगे। तो देखिए एक गाना है एक भजन है भजन को हम प्ले करेंगे यहाँ पर और इस भजन को अगर आपने सीख लिया तो समझिए सब कुछ सीख लिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं देखते हैं किस तरीके से बजाएंगे। जमुना किनारे मेरा जमुना किनारे मेरा श्याम रे आए भैया जमुना किनारे मेरा रसीले आए भैया आए जइयो रे बंगारे कन्हैया आए भैया जमुना किनारे मेरा सिंपल है ठीक है। तो आज हम इसी गीत को आपको प्रॉपरली तरीके से बजाना सिखाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहला सा एक लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज़ आपको क्लियर करा दें कि अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन कभी नहीं सीख पाएंगे। इस चीज़ का व्यर्थ का पैसा कहीं मत फांस देना ठीक है। व्यर्थ का पैसा कहीं मत फांस देना। ऑनलाइन नहीं सीख पाएंगे। आपको सीखना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं ठीक है। डायरेक्टली अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आप सीख जाएंगे। अगर यहाँ आएंगे तो आपको हम सिखा देंगे। तो अगर आप आना चाहें तो कमेंट में हमें रिप्लाई दें अवश्य ही हम आपको यहाँ पर बुलाएंगे ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक हम बने रहते हैं इस गीत को हम बजाना सीखते हैं किस तरीके से इस गीत को हम बजा पाएंगे ठीक है। तो देखिए गीत हमारा कौन सा है बहुत प्यारा सा गीत है कि जमुना किनारे मेरो गांव। देखिए इसकी लाइन ही देखिए कितनी सुंदर और ज़बरदस्त लाइनें हैं। इसके लाइन को सीखेंगे तो बहुत ही आनंद आपको आएगा। ये भगवान कृष्ण का बड़ा ही प्यारा भजन है बहुत अच्छा लगता है हमको। तो देखिए देखो ना इधर जमुना किनारे मेरो गांव सामरे आए जइयो जमुना किनारे मेरो गांव रसीले आए जइयो आए जइयो रे बनवारी कन्हैया आए जइयो। और इसका सीधा दुगन दे दो और अंतरा भी बहुत सिंपल है। तो दोनों चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं इस गीत को हम किस तरीके से अपने हारमोनियम पर प्ले करेंगे ठीक है। तो देखिए ध्यान से पहला पैटर्न इसमें चलेगा कि जमुना किनारे मेरो गांव सारे मा गारे सा सारे मा गारे सा ठीक है। जमुना किनारे मेरो गांव सारे मा गा रे सा ठीक है। जमुना किनारे मेरो गांव फिर आगे कन्हैया आए जइयो कन्हैया आए जइयो कन्हैया आए जइयो मा गा रे सा रे मा गा कन्हैया आए जइयो देखो कन्हैया आए जइयो हो गया ना क्लियर 100% क्लियर हो गया होगा। एक बार और हम बजा दे रहे हैं उसके बाद फिर तो आपके दिमाग में चढ़ ही जाएगा। जमुना किनारे
दे दीजिए। अब इसके बाद आंत्रा, फिर हम बात करेंगे अपनी आंत्रा पर। तो आंत्रा देखिए, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली। अभी आंत्रा की फर्स्ट लाइन है, तो देखिए आंत्रा हमारी, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, गारे गारे रे सा, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। हो गया ना, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली। दोनों स्वर सेम चलेंगे, जमुना किनारे मेरी, गारे वॉइस बहुत सिंपल आंतरा है, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली। फिर लाइन चेंज हो जाएगी, राधा रंगीली मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, के दरस दिखाए जइयो, राधा रंगीली मेरो नाम, के दरस दिखाए जइयो, आए जइयो रे बनवारी कन्हैया। दे दीजिए, और फिर जमुना किनारे मेरो गांव श्यामरे आ जियो, जो कान्हा मेरो गांव ना जानो, मतलब फिर आपका सैम उसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने स्थाई आंत्रा, बिल्कुल सैम कुछ ज़्यादा आपको चेंज करना नहीं रहेगा। बड़ा ही प्यारा भजन है, जमुना किनारे मेरो गांव श्याम रे आ जइयो गिरधारी कन्हैया आ जइयो। एक बार और दिखाते हैं आपको, एक बार और देख लीजिएगा, जमुना किनारे मेरो है। तो आयो, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रणाम, राधे राधे।